पट्टी का छोटा छोटा था, तीन चौके आगे आइए उसमें तीनों में 100-100 ग्राम जो है साबुत जो उड़द की दाल होती है काला वह 100-100 ग्राम नाम के तीनों में 100-100 ग्राम दे दीजिए और एक एक लोहे की खीर दे दीजिए और थोड़ा सा चंदन जो है पीला चंदन उसमें दे दीजिए और थोड़ा सेंट मार दीजिए। सेंट मारने के बाद क्या है कि रात्रि में 10 बजे के बाद यह तीनों चुकिया जो है वो मटका है छोटा छोटा इसको बच्चों के सिर से तीनों को तीन तीन बार उतार के रख दीजिए। रखने के बाद सुबह सिर में कोई नहीं लग रहे और आप उन तीनों चुकिया को लेकर चले जाइए और चाहे वो गंगा का पानी हो या कोसी का पानी हो या किसी भी नदी का हो नहर का हो बहता हुआ पानी हो आप उसमें बहता हुआ पानी में प्रवाह कर दीजिए। आपके बच्चे का जो अनिष्ट ग्रह है वो शांत हो जाएंगे, बच्चे चिड़चिड़ापन छोड़ देंगे, पानी में मर लगेगा, सिर में दर्द नहीं होगा, आँख से पानी नहीं जाएगा और बच्चे आपके सदा सुखी रहेंगे। तो मेरा निवेदन है भारत के सभी नागरिक से सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को पहले ध्यान दें और उसको सोचें कि आखिर हो क्या रहा है और आलतू फालतू झंडों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब घर की सामान से ही उपाय होगा तो पैसा क्यों खर्च करना हो। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप ये काम करें, कोई मंत्र पढ़ने की जरूरी नहीं, क्योंकि टोटका बताया हूँ जिससे आपके बच्चों को सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय माता।